अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जैदान सेक्शन पे जो छोटी छोटी लांडियाँ हैं, वहाँ पे पानी जो है इन टैंकियों में जाता है, ठीक है। यहाँ से लिया जाता है, एक कुआँ नहीं है, टैंकी है। तो इसमें पानी टैंकी के अंदर कहाँ से जाता है, ये आज आपको दिखाते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ऐसी मतलब के सरसरी सा बताया था, लेकिन पानी जाते हुए नहीं दिखाया था क्योंकि ऐसा मौका नहीं था। तो आज जो है ये आपके सामने ये टैंकी प्लेस हो रही है, ठीक है। ये और यहाँ पर जो है पानी जो है खोलेंगे और ये सीधा यहाँ से पानी उस टैंकी में जाएगा। ये लाइन के दरमियान में समझिए एक ढकना टाइप रखा हुआ है, ठीक है। रेत वगैरह मिट्टी कोई ऐसे कीड़े मकोड़े जो है ना जाएं। यहाँ से ये हटा रहे हैं, देखें। निकालो निकालो गुला निकालो, थोड़ा उधर करो। ये और यहाँ से पाइपलाइन जो है वहाँ तक टैंकी तक जाता है। ये देखें, ये इसका गुला होता है टैंकी का, इसको खोलेंगे तो पानी जो यहाँ से होने लग जाएगा। बहुत ज़्यादा ये जो है टाइट किया जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल जो टैंकी का बॉटम है और पानी का प्रेशर होता है, तो इसलिए इसको जो है बहुत ज़्यादा टाइट करके जो है वो लगाया जाता है। देखिए, तकरीबन इसका गुला जो है यहाँ से खुल गया। अभी यहाँ पे जो है इसका जो ये होल है यहाँ पे, तो इसके अंदर जो है एक राड होता है ना, ये टंकी के ऊपर जो टॉप पे इसका ढकना है वहाँ से स्क्रू रेंच से उसको खोलते हैं। अब ये फुल टाइट किया हुआ है तो पानी नहीं आ रहा है, उसको भी वहाँ से स्क्रू रेंच से खोलेंगे, फिर पानी जो है यहाँ से ड्रेन होगा यहाँ पे, फिर यहाँ से जो है पाइपलाइन है, एक मोटी पाइपलाइन होती है वो इस टैंकी तक जाती है, तो वो पानी फिर जो इस टैंकी में जाएगा और ये इस तरह पानी जो है यहाँ पर सेफ होता है। तो इस तरह यहाँ पे जो है पीने के लिए पानी इस तरह स्टोर किया जाता है, और ये बहुत जो है पुराना सिस्टम है। और यहाँ पे अंग्रेज़ जब आए थे तब उन्होंने ये टैंकियाँ वगैरह ये बनाई थी, तब से ये इस्तेमाल हो रही हैं पानी के लिए। काफ़ी गहरी टैंकियाँ होती हैं, इस तरह कुछ नज़र भी शायद ना आए। लांडी का नाम जो है जारी लांडी है। यहाँ पर दूर दूर तक इनके पास कुछ भी नहीं है ना, आबादी तो यहाँ है ही नहीं। चंद घर हैं, चंदे घर हैं, वो भी यहाँ पर है चंदे घर। इसके अलावा पानी की जरूरत इनके पास इस टैंकी के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसमें दस्ता दे यार, दस्ता दे, इसका सुराख बंद है। वहाँ से जो है ये अभी जो है लाक जो है इसको खोल रहा है और यहाँ पर ये पानी आना शुरू हो गया। जाम हो गया।
ओ मामा किधर गया? इसके अंदर दस्ता दे हुए बोलो खूब बंद ये दस्ता मारो इसके अंदर सारे कलम और ग्रोसरी वोसरी में नहीं ये पानी अब जो है पाइपलाइन के थ्रू अब इस टैंकी में जा रहा है। ये अब ये शायद आपको आवाज़ आ रही हो, नज़र कुछ नहीं आएगा क्योंकि फुल अंधेरा है। बहुत बड़ी टैंकी है ये, बहुत ज़्यादा गहरी है जो है यहाँ से भरते थे, भर के जो है जो पानी जो ज़ाया होता था जो एक्स्ट्रा गिरता था वो ये एक छोटी सी जो है इन्होंने ये क्यारी टाइप बनाई हुई है। ये पानी इधर आ जाता था तो और यहाँ से जो है जानवर पानी पिया करते थे ताकि पानी जो है मतलब बिल्कुल ज़ाया ही ना हो। ये ढकना दिया हुआ इसका ये टैंकी अगर फुल हो तो फुल टैंकी मतलब इसलिए टी डब्ल्यू पानी की टैंकी जो है इसे टी डब्ल्यू कहते हैं उसको। तो ये टैंकी अगर फुल हो तो ये खाली होने में कुछ 40 मिनट ले लेती है। अगर इसका गुला खुला हो तो तकरीबन आधा घंटा आधे घंटे में ये खाली हो जाती है। और ये जो टैंकी है इसके अंदर जो इस तरह की तो 10-20 टैंकियाँ डल जाएँ आराम से, ये इतनी बड़ी टैंकी है। चलें दोस्तों अभी जब तक ये खाली होती है तो हम भी चलते हैं, मिलते हैं आपके साथ एक नई जगह पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।